हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि आज का हमारा टॉपिक है लाइंस। सो ड्राइंग क्लास जिन बिगिनर्स को या जिन दोस्तों को मेरे शुरू करनी है घर बैठे, तो वो शुरू कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। सो ड्राइंग क्लास शुरू करने से लिए हमें सबसे पहली चीज़ जो समझनी है वो दोस्तों हमें समझनी है लाइंस। कि देखिए, लाइंस हमारा सबसे पहला टॉपिक है ड्राइंग फील्ड में, आर्ट फील्ड में। आप आउटलाइन कर लीजिए या लाइन कह लीजिए कि जब भी आप किसी भी चीज़ को ड्रॉ करते हैं तो उसकी लाइन ज़रूर बनाते हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे पहले बेसिक लाइंस के बारे में कि बेसिक लाइन कौन सी होती है। बेसिक लाइन दोस्तों हमारे पास होती हैं वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। इन लाइनों का क्या इंपॉर्टेंस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कि देखिए, लाइन सबसे ईजी तरीका है किसी से भी कम्युनिकेट करने का। ये हमारी एक शॉर्ट लैंग्वेज है जिसको हम यूज़ करते हैं। कि आर्ट लाइन में, आर्ट लाइन को सबसे आसान तरीका बताया गया है कि आप किसी तक भी अपनी फीलिंग आराम से पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ हम दोस्तों बात करते हैं टाइप्स ऑफ लाइंस की, कि इन तीनों के बाद और कौन सी लाइन जो होती हैं। वो आपकी फिर बहुत सारी हैं, जैसे कि कर्व लाइन, ज़िगज़ैग लाइन, उसके बाद आपकी डैश लाइन, फिर उसके बाद डैश डॉट, यानी कि बहुत तरीके की आपकी लाइंस जो एग्जिस्ट करती हैं। ये देखिए, मैं आपके सामने कितनी सारी लाइनें यहाँ बना करके दिखा रहा हूँ एग्जैक्ट्रा। तो आपको दोस्तों याद रखना है कि लाइनों की सबकी इंपॉर्टेंस अलग अलग होती है। तो यहाँ हम कुछ एग्जांपल्स बना के देखेंगे जिसके ज़रिए आपको पता चल जाएगा कि लाइंस से आप कितनी सिंपल ड्राइंग आप बना सकते हैं। कि ये देखिए, हमने सिंपल बेसिक लाइंस को यूज़ किया और हमारी हट बन गई। या हमने कर्व लाइन को यूज़ किया तो आपकी एक बुशेज बन गई। यानी कि दोस्तों, अगर आपको बच्चों को भी सिखाना हो या किसी भी एज ग्रुप को आपको स्टार्ट करना है ड्राइंग लेसन, तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। ये देखिए, हम बेसिक लाइनों को ही यूज़ कर रहे हैं और कुछ नहीं ऐड कर रहे हैं इसमें, ना शेडिंग ना कलरिंग। आज हम सिर्फ ये समझेंगे कि दोस्तों लाइनों की इंपॉर्टेंस हमारे फील्ड में क्या होती है। ये देखिए, पहला एग्जांपल आपके सामने बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। दूसरा एग्जांपल अब हम यहाँ बनाते हैं। कर्व लाइन्स हमने यहाँ यूज़ किए हैं दोस्तों। तो यहाँ हम एक वाटर वेव्स को हम जो है दिखा रहे हैं। वाटर वेव्स के ऊपर हमने दो स्लांट लाइन्स यूज़ की हैं और ये देखिए, आपके सामने एक बोट रेडी हो चुकी है। तो देखिए दोस्तों, कितना आसान होता है कि ड्राइंग को बनाना। आपको बात ध्यान रखना है कि दोस्तों, कि अगर आप लाइंस इजीली अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप शेडिंग करके, कलरिंग करके उसको और अच्छा बना सकते हैं। बट सबसे पहली बात यह है दोस्तों कि आपको बनाना आनी चाहिए लाइंस। तो यहाँ देखिए दोस्तों, मैं आपको क्लाउड्स के ज़रिए एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। कि क्लाउड में से एक बार हमने ज़िगज़ैग लाइन ली है, एक बार डैश लाइन ली है और एक बार कर्व लाइन लिया। तो तीनों की यहाँ अलग अलग इंपॉर्टेंस आप देख सकते हैं। अब हम और भैया एग्जांपल से लेते हैं। तो दोस्तों, ये बात ध्यान रखना कि आपकी लाइंस की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है आपकी ड्राइंग में। अब देखिए, यहाँ मैं कुछ शेप्स ले रहा हूँ, सिंपल सी लाइन से ही मैंने इसको यूज़ किया है। अब मान लीजिए मैं इसको फेस में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ कि किसी का ट्राइंगल फेस है, तो ये देखिए, किसी का सर्कल फेस है, किसी का स्क्वायर फेस है, रेक्टेंगल फेस है, उसके अंदर आप ये चीज़ आराम से ऐड कर सकते हैं। और ये इवन बच्चों के लिए नहीं है फ्रेंड्स, ये आपके लिए भी है। आप जहाँ भी चाहें लाइंस को यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, हम समझते हैं दो चीज़ों के बारे में दोस्तों, लाइन एंड स्ट्रोक। लाइन एक ओवरऑल कॉन्स्टेंट चीज़ होती है जो शुरुआत से लेकर एंड तक बिल्कुल एक जैसी होती है। वहीं अगर हम स्ट्रोक की बात करें तो वेरिएट करती है डार्क, मीडियम और लाइट। यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट डार्क होता है और एंडिंग पॉइंट लाइट होता है। तो अब हम ये बताएंगे दोस्तों कि आपको जब भी अपनी लाइंस इंप्रूव करनी है तो आप इन दोनों चीज़ों की प्रैक्टिस करें कुछ इस तरीके से। कि आप लाइंस को डेली, रोज़ाना कम से कम आप अपने 4 से 5 पेज भर दीजिए इस तरीके से। लाइंस के बीच में आप जो है गैप कम रखिए इस तरह, और इस तरीके से अपनी स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करिए, आराम से करिए दोस्तों, बेझिझक। क्योंकि देखिए, स्टार्टिंग ये बात आप जान लीजिए, जब आप ड्राइंग करना शुरू करेंगे तो यही चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान करेगी। यानी कि लाइंस ही वो ज़रिया है जिससे कि आप अपनी ड्राइंग स्किल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आप अपनी लाइनों के बीच में गैप जितना ज़्यादा कम हो सकता है उतना कम करना शुरू करिए, ताकि आपके पेजेस के साथ साथ आपकी लाइंस और आपके स्किल्स ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव हो। पेजेस भरने के बारे में नहीं सोचना दोस्तों, आपको ये देखना है कि अपनी हर एक लाइन के अंदर आपको इम्प्रूवमेंट देखनी है। कि आप डेली बेसिस पर जब आप करेंगे, आपको विद इन ए वीक अपने अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। और इसके ऊपर अब आप वर्टिकल लाइन बना सकते हैं, बाकी लाइनों की भी जो हमारी बेसिक लाइंस हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, बेसिक लाइंस ही सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं ऑल ओवर फील्ड में। तो अब आप स्लैंट लाइंस बना लेते हैं, यहाँ पर डायगोनल लाइंस के ज़रिए भी उस चीज़ को हम कवर कर देंगे।
ये बात आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि आप बेसिक लाइंस को बिल्कुल ना भूलें, बेसिक की ही प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करिए। ये जो हम चीज़ें यहाँ समझ रहे हैं दोस्तों, ये सब बेसिक ही है। जितना ज़्यादा आप बेसिक की प्रैक्टिस करेंगे, आपके स्किल्स उतने ही ज़्यादा इम्प्रूव होने शुरू हो जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेने के बाद अब आप एक चीज़ और मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों कि देखिए, हमेशा कर्व लाइन सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, मतलब वो डिस्टर्ब सबसे ज़्यादा करती है बनने में। तो आप क्या करिए कि देखिए, जिसको भी कर्व लाइन बनाने में प्रॉब्लम आती है, जैसे कि हमने यहाँ सर्कल बनाया, अगर किसी से नहीं बनता है तो वो इस तरीके से बेसिक लाइंस को यूज़ कर सकता है और अपनी ड्राइंग को ईजिली अटेम्प्ट कर सकता है। मैं अपनी हर ड्राइंग में दोस्तों आपको यही बात समझाऊंगा और हर एक वीडियो में कि आप जब भी यूज़ करें, आप लाइन फॉर्म का ही यूज़ करें। अगर आपसे कर्व शेप नहीं बनती है तो आपके पास कोई भी शेप हो, ओवल शेप हो, सर्कल शेप हो, ये देखिए, जैसे कि अगर हम किसी के फेस का एक हमने गेटअप लिया है, ये आपसे नहीं बनता है तो आप इसको लाइन फॉर्म में इस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि दोस्तों, अपनी हर एक कर्व पॉइंट को ब्रेक कर देना है और ब्रेक कर देने के बाद आपको उसको अटेम्प्ट करना है। जैसे कि हम आइज़ बनानी सीखी थी हमने, तो आइज़ में भी मैंने आपको बताया था कि जो अगर आपसे नहीं बनती है कर्व, तो आप आईबॉल के लिए या फिर आउटर शेप के लिए भी लाइंस यूज़ कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पर साइड में एग्जांपल दूंगा, इस तरीके से 1 2 3, उसके बाद 1 2 3, ये देखिए, ये आपकी लाइंस बन चुकी हैं, शेप भी बिल्कुल परफेक्ट आ चुकी है। आईबॉल के लिए मैंने लाइंस को ब्रेक कर लिया है कुछ इस तरीके से। सो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।